हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ अजीबोगरीब प्रथाएं जिसे आप सुनकर दांतों तले अपनी उंगलियां दबा लेंगे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। नंबर वन पे है हुक्त वेजिटेरियन फेस्टिवल। आप इसके नाम पर ना जाएं, वेजिटेरियन फेस्टिवल के नाम पर यहाँ हिंसक गतिविधियाँ देखने को मिलती हैं। यूँ तो यहाँ फेस्टिवल से 9 दिन पहले लोग मांस खाना बंद कर देते हैं, लेकिन इस फेस्टिवल में जो होता है वो बहुत ही अजीब है। यहाँ लोग नुकीले चाकू या तलवार से अपने गाल और होठों को चीरते हैं। उनका मानना है कि ऐसा करने से ईश्वर इन सब की रक्षा करते हैं। नंबर दो पे है सौ के साथ नृत्य। मेडागास्कर की मालागासी जनजाति में फामा दिहाना नाम का रिवाज पाया जाता है। हर 7 साल पर यहाँ इसे मनाया जाता है। वे अपने पूर्वजों के शव को उसे नए कपड़ों में फिर से लपेटते हैं, फिर संगीत के बीच कब्र के चारों तरफ नाचते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से उनके पूर्वज उन्हें सुखी और संपन्न रहने का आशीर्वाद देते हैं। नंबर तीन पर है काटनी पड़ती है उंगली। यह रिवाज इंडोनेशिया की दानी जनजाति में प्रचलित है। जब परिवार के किसी सदस्य की मौत हो जाती है तो महिलाओं को अपनी उंगली का थोड़ा हिस्सा काटना पड़ता है। हालांकि पिछले कुछ साल से यह प्रथा यहाँ प्रतिबंधित कर दी गई है, लेकिन यहाँ के कुछ बुजुर्ग लोग अब भी इस परंपराओं को मानते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, चाइना में खाने से लेकर पहनने को अजीब अजीब प्रथा है। ऐसी ही एक प्रथा है जिसमें पति अपनी पत्नी को कंधे पर बैठाकर जलते हुए अंगारे पर चलता है। उन सब का मानना है कि ऐसा करने से पत्नी की डिलीवरी बहुत आसानी से होती है। अब पता नहीं ये कैसी प्रथा है, चाइना वालों को तो आप अच्छे से जानते ही हैं दोस्तों। पाँचवें नंबर पर आता है कंबोडिया में पिता बनवाते हैं बेटी के लिए लवहट। जी हाँ दोस्तों, सुनने में बहुत अजीब लगता है बट यही सच है। कंबोडिया में पिता अपनी पुत्रियों के लिए वह करते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लड़कियों का मासिक धर्म शुरू होते ही यानी 13 से 15 साल की उम्र में उनके लिए अलग झोपड़ियाँ बना दी जाती हैं, जिसे लवहट कहा जाता है। परिवार वाले लड़कियों को अपना पति चुनने के लिए लड़कों से संबंध बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जब तक वह पसंद का लड़का नहीं मिल जाता तब तक लड़की किसी लड़के से संबंध बना सकती है। दोस्तों, आखिरी नंबर पे है पेनिस फेस्टिवल। जी हाँ, सुन के बहुत हंसी तो आ रही होगी, मैं भी शौक हूँ। इस उत्सव को जापान में कानामारा मात्सुरी के नाम से जाना जाता है। श्रद्धालु लिंग के आकार की एक प्रतिमा को लेकर कावासाकी जापान की गलियों में परेड करते हैं। यह त्यौहार हर साल अप्रैल के पहले रविवार को मनाया जाता है। एक पौराणिक कथा के मुताबिक एक राक्षसी एक महिला की योनि में छिपी थी। उसके दांत बहुत तेज थे। उसने 2 पुरुषों से प्यार किया और उनकी शादी की रात में उनके लिंग को काट दिया। उसके बाद महिला ने एक लोहार से संपर्क किया, लोहार में लिंग बनाकर राक्षसी दांत को तोड़ दिया। जी हाँ, मुझे नहीं पता दोस्तों इस बात में कितनी सच्चाई है, मगर ये एक कहानी है।